टाटा मोटर्स, दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड. मतलब आपकी इतनी तारीफ एंड अपनी जो गाड़ी मुझे लेनी थी मैंने वही गाड़ी ली. यार दिल मतलब अभी ना टूट सा रहा है. मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू एक द पाथफाइंडर व्लॉग्स. कैसे हो आप सब? अगर कल का व्लॉग नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट गाइस. कल हमने शॉपिंग भी करी अपने लिए, प्लस अपन गए थे बुर्रा प्रोजेक्ट. And it was an amazing place, like Punjabi folk music proper. भाई सब गिद्दा पा रहे, भंगड़ा पा रहे, बहुत ज़्यादा फील आई. तो वो व्लॉग आप ज़रूर देखना. फिलहाल जा रहे हैं अपन ऑफिस एंड मम्मा जा रही हैं मेरे लिए जो मैंने अचकन डिज़ाइन का एक लॉन्ग कोट बनवाना है फॉर द मैरिज बिकॉज रॉयल इंडियन है. तो उसके लिए मम्मा जा रही हैं कपड़ा लेने. क्या डिज़ाइन है वो सब आपको बाद में पता चलेगा क्योंकि वो सरप्राइज है. ठीक है, फिलहाल चलते हैं ऑफिस. बर्थडे था तो अभी अपन ने केक खाया है एंड शाम के कितने बजे थे, 7:00. कुछ मेल्स बची हैं, सुबह से आते ही काम पे लग गए थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. भाई लंच भी यहीं बैठ के किया आज अपन ने एंड अभी थोड़ी बर्थडे सेलिब्रेशन हुई तो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया. मतलब इतना प्रेशर है काम का. सो अभी बस कुछ बची कुछ मेल्स करते हैं, काम ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ से गाड़ी की तरफ जाते हैं और घर के लिए निकलते हैं. मम्मा ने आज थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जैसे मैंने आपको सुबह अपडेट दिया था. तो कपड़े का मैं थोड़ा सा आपको स्नेक पीक दूंगा. अभी भी बहुत शॉपिंग बची है एंड वो कपड़े को मेरे को अपने डिज़ाइनर के पास देने जाना है, नाप वाप देना है. पहले से साइज़ बढ़ गया है पुराने साइज़ पे, अगर मतलब उनके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है बट मैं पुराने साइज़ पे नहीं बनवा सकता क्योंकि अब साइज़ बढ़ चुका है. तो लेट्स सी, थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ है इसलिए सो दोबारा से जाना पड़ेगा. तो देखते हैं, वो बना के दे देते हैं, लाइक 4 to 5 days लेते हैं तो फिर ट्रायल होगा एंड उसके बाद अपना आउटफिट पूरा रेडी है. लेकिन दिखाऊंगा जिस दिन मैं पहनूंगा, स्नीक पिक आपको मिल जाएगा. ठीक है, बाकी की बातें गाड़ी में जाके. तो भाइयों ऑफिस से अपन निकल चुके हैं, फिलहाल गाड़ी में आके जस्ट बैठे ही थे. तो भाई क्या कहते हैं, हाँ हाँ अभी भी बहुत सारे काम बचे हैं गाइस एंड वर्कआउट करने का भी टाइम निकालना पड़ेगा इसी बीच में एंड आई गेस रिहर्सल्स भी करनी पड़ सकती हैं क्योंकि दी ने अभी तो कुछ बताया नहीं कि हमें डांस करना है, क्या करना है, कैसे करना है. तो लेट्स सी क्या क्या होता है एंड वहां पर जाके तुम्हारा भाई भंगड़ा पाऊंगा. एंड और क्या था यार, रास्ते में बात करते हैं. टाटा मोटर्स, दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड. मतलब आपकी इतनी तारीफ एंड अपनी जो गाड़ी मुझे लेनी थी मैंने वही गाड़ी ली. यार दिल मतलब अभी ना टूट सा रहा है. मतलब नई गाड़ी है, 3,762 किलोमीटर्स चली है. फर्स्ट सर्विस बिफोर टाइम करवाई थी मैंने 400-300 किलोमीटर पहले एंड नई गाड़ी में पहले बैटरी की लाइट आती है, देन इंजन लाइट आती है, ये सर्विस का साइन आ गया यहाँ पे, देन कूलेंट लाइट आ गई. ये अभी एच पे था, एच से हट के ये सी पे हुआ है अभी, ये जो हीट मीटर होता है गाड़ी का बेसिकली. एंड चलते चलते फ्लाईओवर के बीच से मैंने इस गाड़ी को यहाँ लेफ्ट साइड पे करा बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था फ्लाईओवर के ऊपर हूँ मैं एग्जैक्टली. एंड दिस इज़ नियर बाय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. तो मतलब ये बिल्कुल भी टाटा मोटर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है. दो आपका जो 24/7 का असिस्टेंट सर्विस है उन्होंने काफ़ी जल्दी मेरा कॉल पिक करा एंड दे रिवर्टेड टू मी एंड दे आर सेइंग दैट दे विल कॉल मी बैक आफ्टर 5 minutes एंड टेक्नीशियन भेज रहे हैं. बट नई गाड़ी में ये इशू आना, इज़ इट जस्टिफाइड? Please do let me know. Fan belt. फैन बेल्ट ही उतर के जो इंजन को घुमाती है गाड़ी को. न्यू कार जस्ट 3,762 किलोमीटर चली हुई गाड़ी. सर्विस सेंटर ही जा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सर्विस वहीं पे हुई थी इस गाड़ी की मेरी एंड मैं अभी यहाँ पे भैया के साथ ट्रेन में बैठ के जाऊँगा. रात को उनकी सारी गाड़ियाँ जो भी है ना, हाँ, सब वही उतारते हैं, रात गाड़ी ले जाते हैं. हाँ, तो भाई लोग भैया के साथ जा रहे हैं हम और अपनी गाड़ी पीछे चढ़ी हुई है वहाँ पे. तो
नई गाड़ी में यार बेल्ट टूट जाना बड़ा अजीब सा लग रहा है। टाटा मोटर्स को मैंने ट्वीट कर दिया ऑलरेडी, तो लेट्स सी वहाँ से क्या रिस्पॉन्ड आता है। बाकी काम छोटा है, काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक दो घंटे में बेल्ट लग जाएगी। एंड टाटा की जो असिस्टेंस थी 24/7 उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा, भैया भी आ गए टाइम से। बट एक चीज़ का दुखा है कि नई गाड़ी में बेल्ट टूटना, मतलब मेरी जो पिछली गाड़ी थी स्विफ्ट वो 75,000 किलोमीटर चली थी 4 साल में, उसमें आज तक ऐसा कोई नुकसान नहीं आया। उससे पहले मेरी बीट 85,000 किलोमीटर चली 10 साल में, उसमें ऐसा नुकसान नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। और नई गाड़ी 2 महीने पुरानी 3,000 किलोमीटर चली उसमें आ गया, तो वही चीज़ हैरान कर दी है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे चल के। फिलहाल भैया के साथ क्रेन में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पीछे पे भी असिस्ट कर रहे हैं। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे एक एक्सीडेंटल कार भी खड़ी हुई है और अपनी फैन बेल्ट टूटी है गाड़ी की। तो बस एक चीज़ का ही दुख है कि नई गाड़ी में फैन बेल्ट नहीं टूटनी चाहिए थी, और कुछ और कोई चीज़ का दुख नहीं है मुझे। अब यहाँ से गाड़ी का वो करते हैं ज़रा एंट्री, फिर आपको अपडेट देते हैं। गाड़ी की एक वीडियो बना रहा हूँ गाइस, किस कंडीशन में मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ गाड़ी। ये तो छोटे मोटे पत्थरों से लग जाते हैं, तो कुछ नहीं है। गाड़ी में चाबी आपके पास है ना? जी ठीक है। सुबह 9:30 बजे खुलेगा? जी ठीक। खुल वैसे 9 बजे जाता है, लेकिन हाँ। 9:30 बजे हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क है और ये टाटा मोटर का ट्रियो है। तो अब सुबह अपनी गाड़ी लेंगे। कैसे? प्रॉब्लम टूट गई बताओ, नई गाड़ी 2 महीने पुरानी और बगल में ही Hyundai का शोरूम है। तो अब यहाँ से घर की तरफ जा रहे हैं गाइस कैब में, फिर घर जाके थोड़ी बहुत बात करते हैं आप सबसे।